तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तकाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तकाशाही बंद करो। साडा एकला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। चंडीगढ़ सेक्टर 32 हॉस्पिटल के बाहर आज कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सर के वर्करों ने प्रोटेस्ट किया और साथ ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सर वर्कर काफ़ी समय से अपनी मांगों को अस्पताल के प्रबंधन के पास यह मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना गया है, जिसको लेकर आज अस्पताल के बाहर 3 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को चंडीगढ़ के तमाम यूनियन का समर्थन भी मिला है, जिनका कहना था कि अभी तो सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो काम छोड़ो प्रदर्शन किया जाएगा। सर, तानाशाही सरकार है और तानाशाही अपने अफसर बैठा रखे हैं। आज बड़ी हैरानी की बात है सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज यहाँ का प्रोटेस्ट रखा गया था और 13 तारीख से इन्होंने दिया हुआ लेटर, लेकिन बुला के 2 मिनट बात करने के बजाय उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि 2 से 3 और 3 से 4 सैनिटाइज आज हॉस्पिटल के बड़ी बचकाना। मैं हैरान हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है सर, कि ऐसे अनपढ़ अफसर बैठाए हुए हैं कि 2 लहर निकल गई कोरोना की, तीसरी लहर आने वाली है। आज सैनिटाइज से हाथ धुलाना और साबुन से हाथ धुलाना सिखाया जा रहा है हॉस्पिटल स्टाफ को। मेरे तरफ से आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैनेजमेंट को चाहिए, डायरेक्टर मैडम को चाहिए कि एक बाथरूम बड़े बड़े बनवाएं। घर से जब वर्कर काम करने आए तो पहले उनको गंगा जल से हरिद्वार से मंगा के नहला धुला के तब ड्यूटी पर चढ़ाया जाए, कि आज 2 लहर बीतने के बाद उनको याद आई है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी हाथ धोना कैसे सीखेंगे, साबुन से हाथ कैसे धोएगा और कैसे सैनिटाइज से। मेरी हैरानी की बात है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, एक छोटे छोटे डिमांड को वर्करों को मानने के बजाय इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि 2 से 3 और 3 से 4 सभी इम्प्लॉयजों को वहाँ पे सराय बिल्डिंग में बुला के हाथ धोना सिखाएंगे, सैनिटाइज करना सिखाएंगे। सर, ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा और मैडम को बोलना चाहूँगा कि इनके छोटे छोटे डिमांड है ये मान लें, इनके अपने वर्कर हैं, अन्यथा अगर माहौल ख़राब होगा तो आप हॉस्पिटल संभाल नहीं रही हैं, संभाल रहे हैं ये वर्कर जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी जोखिम में डाल के आज तक कोरोना काल से लेकर आज तक अपने पैरों पर खड़े होकर इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं और हॉस्पिटल बड़ी सुरक्षा से चला रहे हैं, लेकिन मैडम माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। इनके डिमांड मान लें, अन्यथा चंडीगढ़ की तमाम यूनियन उनके साथ खड़ी है। ये ना सोचे कि 32 हॉस्पिटल ही है। आज हमारे गोपाल दत्त जोशी जी खड़े हैं, चंडीगढ़ की जितनी पावरफुल यूनियन है वो आज यहाँ बैठी है मंच पे। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल ख़राब हो और हॉस्पिटल में हड़ताल करना पड़े और हॉस्पिटल से निकलना मुश्किल हो जाए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कोई गलत शब्द बोल गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।